उत्तराखंड के तपोवन में रेस्क्यू मिशन लगातार अभी भी जारी है। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं और ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप सिंह राठौर। चमोली माई आपदा का आज 8वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और 45 लोगों का आंकड़ा हो चुका है इस समय जो शव बरामद किए गए हैं। टनल से लगातार बॉडीज बरामद हो रही हैं और ऐसे में ये मुश्किल पैदा हो गई है क्योंकि 8 दिन ठंड, जबरदस्त ठंड के आलम के दौरान लोगों को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है, चाहे वो NDRF हो या SDRF हो, दोनों ही लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और ऐसे में मुश्किल बेहद बड़ी हो गई है कि अंदर के जो लोग हैं, जो बाकी फंसे हुए लोग हैं, वो किस हालात में होंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा थोड़ा सा वो दिखाएं कि देखिए जो मलबा डैम के पास इकट्ठा था, मैं दोबारा एक बार बता दूं आपको, करीबन 30 से 35 फीट मलबे के ऊपर ये नदी बह रही है। लेकिन अगर आप सामने देखें तो मलबा नदी के पास से भी हटाने की कोशिश पूरी तरह से जारी है। ऐसे में जो लोग नदी के अंदर, जो नदी के मलबे के अंदर दबे हैं, वो भी बाहर निकल सकते हैं, उनकी बॉडीज की भी तलाश जारी है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ तपोवन आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।